दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज तीन मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो यह है कि जो कोविड-19 से हमारी लड़ाई है, भारत की लड़ाई है, पूरी दुनिया की लड़ाई है, उसमें इस वक्त हमारे देश के लिए क्या बहुत जरूरी है। दोस्तों हम तीन बातें इसलिए आपके सामने रखना चाहते हैं क्योंकि इनको लेकर समाज में बहुत सारा कंफ्यूजन है। पहली बात तो यह है कि यह लड़ाई देश की है, न तो ये केंद्र की केवल है, न तो किसी एक राज्य की है, न किसी एक समाज की है, न किसी एक व्यक्ति की है, ये पूरे देश की, पूरे समाज की लड़ाई है। ये हमारे सामने एक सभ्यतागत संकट पैदा हो गया है, अपने को बचाने का, अपने देश को, अपने समाज को, अपने लोगों को बचाने का। तो इसमें एक बड़ी पहल जो होनी चाहिए और जो होती नजर आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अप्रैल को पहली दफा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मैं इसका स्वागत करता हूं। ये एक बहुत अच्छा कदम था जो बहुत देर के बाद उठाया गया, क्योंकि इसके पहले जब आप जानते हैं कि लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन का ऐलान जब प्रधानमंत्री जी ने किया था 24 की रात, उस वक्त भी किसी भी राज्य को संभवतः मेरी जानकारी में संपर्क नहीं किया गया था, उनको विश्वास में नहीं लिया गया था। राज्यों में कैसे लागू किया जाए, क्या किया जाए, ये तक तैयारी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी पैदा हुई। तो इसके पहले आपको मालूम है कि 19 तारीख को जब ऐलान किया गया था कि 22 को जनता कर्फ्यू होगा, उस वक्त भी लोगों से संपर्क नहीं किया गया था। और 13 मार्च तक तो कहा जाता रहा अपने देश में कि कोई मेडिकल इमरजेंसी कोरोना वायरस को लेकर नहीं उत्पन्न होने वाली है, लेकिन वो 19 तारीख को पहली बार सामने आई। तो हमारा ये कहना है बहुत संक्षेप में कि केंद्र और राज्यों को बगैर एक दूसरे के साथ जीवंत रिश्ता बनाए, पारदर्शी और एक सक्रिय एक प्लेटफॉर्म तंत्र खड़ा किए बगैर ये लड़ाई हम उस तरह नहीं लड़ सकते जिस तरह कामयाब मुल्कों ने लड़ी है, जिनकी आबादी कुछ एक की हमसे ज्यादा है, कुछ एक की हमसे बहुत कम है। तो ये एक सोचने की बात है। भारतीय संविधान फेडरल है, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, उसमें ये धीरे धीरे कमजोर होता रहा है। इस संघीय ढांचे को आज की लड़ाई में मुझे लगता है कि बहुत जरूरी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, एक उपकरण के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए और राज्यों और केंद्र के बीच में जीवंत संबंध स्थापित होना चाहिए, जिससे कि अगर हरियाणा कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे यूपी समझ सके, अगर केरल में कुछ कम्युनिटी किचन के जरिए, सरकारी तंत्र के जरिए होम डिलीवरी हो रही है, अस्पतालों में बेहतर काम हो रहा है, मरीजों की संख्या जो है उस पर लगातार नजर डाली जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक किया जा रहा है, तो उससे दूसरे राज्यों को सबक मिलना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। तो ये एक काम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो दोस्तों मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि जो ये हमारा जो समाज है विविधता भरा है, अगर इसमें कोई घटना होती है जिससे कि कोई स्थितियां खराब होती हैं, ऐसा लगता है कि इससे हम कोविड-19 से अपनी लड़ाई को मजबूत होने के बजाय कमजोर कर रहे हैं, तो उस पर अंकुश लगना चाहिए, उस पर हमें स्वयं अंकुश लगाना चाहिए। मैं किसी पाबंदी के खिलाफ हूं, किसी भी तरह की लोकतंत्र में कम से कम अभिव्यक्ति के किसी भी मंच पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी जरूर हमें हमारी होनी चाहिए, और ये तकादा संविधान का भी है। तो हमारा ये कहना है कि जैसे अगर कोई दरगाह में, किसी उपासना स्थल में, किसी मरकज में, किसी मंदिर में, किसी बारात में, किसी और जगह पर, सार्वजनिक स्थल पर कोई बात होती है, अगर उसमें कोई कटुता बढ़ाने वाली चीज को प्रचारित किया जा रहा है, खासकर टेलीविजन चैनलों के जरिए, और दूर दराज तक उसके संदेश बहुत बुरे जा रहे हैं, समाज को जोड़ने के बजाय कोविड-19 से अभियान में बल्कि हम समाज को अंदर अंदर से तोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बेहद खतरनाक है, सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, हमारे और आपके लिए भी। तो इसको कैसे, इस पर एक तरह से स्वयं ही कोशिश करके इसको प्रतिबंधित किया जाए, रोका जाए, इस पर सबको सोचने की जरूरत है। जो पिछले कुछ दिनों से
हमारे टेलीविजन चैनलों पर खास तरह का एक दुष्प्रचार, एक तरह का, ये काम सरकार को करने दीजिए, ये काम सरकारी एजेंसियों का है कि कौन गुनाहगार है कौन नहीं है, किसने गलत किया किसने नहीं किया। आप बताइए लोगों को कि इस समय लड़ाई का क्या, जो अभियान हमारा चल रहा है कोविड-19 के खिलाफ, उसका क्या जरूरी आयाम होना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, ये काम है। आप देखिए दुनिया के तमाम टेलीविजन चैनलों को देखिए, CNN को देखिए, BBC को देखिए, अल जजीरा को भी देखिए, दक्षिण कोरियाई चैनल को देखिए, चाइनीज चैनलों को देख लीजिए, दुनिया भर, चाहे कहीं किसी भी तरह का कोई राज हो, कहीं डेमोक्रेसी हो कहीं नहीं हो, आप देखिए उन जगहों पर किस जिम्मेदारी के साथ लोग काम कर रहे हैं। और अंतिम बात दोस्तों जो मैं करना चाहता हूं कि अभी जैसे बहुत सारा विवाद इस पर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान जो किया है 5 अप्रैल का, उसको कैसे लिया जाए। 5 अप्रैल के अभियान पर, आह्वान पर मुझे कुछ नहीं कहना है, प्रधानमंत्री जी का जो मकसद होगा वो सरकार जाने, वो जाने, लेकिन इसको लेकर जो व्याख्याएं बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अभी एक डॉक्टर की एक व्याख्या नजर आई एक ट्विटर पर, वो ये कि इसमें एक वैज्ञानिकता है और मोमबत्ती जब जलेगी तो उसमें जो विषाणु है, जो वायरस है, वो कैसे खत्म हो जाते हैं, उसको किसी सरकारी प्लेटफॉर्म से भी ट्वीट कर दिया गया, वो बाद में जब वैज्ञानिकों ने इतराज किया कि ये अवैज्ञानिक है, तो सुना है कि उसको ट्वीट उसको डिलीट भी किया गया। तो हमारा ये कहना है कि ये इस तरह की कोई भी बात जो अवैज्ञानिकता बढ़ाने वाली हो, अंधविश्वास बढ़ाने वाली हो, जिससे सच्चाई जिसमें ना हो, उसको प्रचारित ना किया जाए। अगर कोई अभियान है, कोई आह्वान है, वो अपनी जगह है, उसके सियासी मकसद हो सकते हैं, सामाजिक मकसद हो सकते हैं, मोबिलाइजेशन उससे हो सकता है, वो अलग पालू है। लेकिन कोविड-19 से अगर हमें केवल बालकनी में जाकर हमें मोमबत्ती जलाने से या टार्च जलाने से अगर कोविड-19 का वायरस खत्म हो गया होता, तो इटली में तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। इटली में बालकनी में या दरवाजे के सामने कैंडल जलाना या टॉर्च जलाना, मोबाइल के की रोशनी करना, ये काम 17 मार्च को हुआ था, लेकिन उस इटली में अभी 14,681 मौतें हो चुकी हैं और 6 करोड़ की आबादी वाले इटली में 1,60,000 से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन आह्वान आह्वान है, वो अपनी जगह है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है, वो एक राजनीतिक मसला है। लेकिन कोविड-19 से लड़ाई को हम सिर्फ और सिर्फ अपने मेडिकल साइंस के बल पर, अपने वैज्ञानिकों के बल पर लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, जिसमें समाज की हिस्सेदारी और सरकार का जो नेतृत्व है वो बहुत जरूरी है, जो सुसंगत हो। और वो कैसे होगा? वो होगा दोस्तों जो दुनिया भर के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, और इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कह दिया जाता है, लेकिन मेरे लिए मैं समझता हूं कि वो उपयुक्त शब्द है फिजिकल डिस्टेंसिंग। समाज को ताना बाना जो है वो लगातार जुड़ा रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो हमारा सद्भाव है वो बरकरार रहना चाहिए, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा बेहतर शब्द है फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो मेंटेन की जानी चाहिए जैसा सरकार कह रही है। और अंतिम बात जो मैं करके अपनी बात आज खत्म करना चाहता हूं दोस्तों, कि अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये जो पहलू है वो कैसे हल होगा, इसके लिए मेरा ये कहना है कि सरकार को और समाज को भी और मीडिया को भी ये समझना होगा। अमर सेन ने बहुत पहले कहा था और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि उन दिनों जब अकाल पड़ा करता था तो सूचना का अकाल हो जाता था। आज जब हम एक दूसरे ढंग की महामारी से, जो और ज्यादा भयानक है, जब जूझ रहे हैं, तो सूचना का अकाल नहीं होना चाहिए, लेकिन सूचना सही होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का दायरा सिकुड़ना नहीं चाहिए। अगर डेमोक्रेसी का दायरा सिकुड़ता है, सूचना अगर सीमित होती है, एक तरफा होती है, तो वो हमारे समाज को कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए सूचना और अपनी डेमोक्रेसी के बल पर हम इस लड़ाई को जीतेंगे, और जनता का उसमें सहकार, नेतृत्व सरकार का, ये बहुत जरूरी है, और वो राज्यों की सरकारों और केंद्र के साथ पुख्ता एक रिश्ते बनाकर, एक संघीय ढांचे की मजबूती से इस काम को किया जा सकता है। लेकिन नफरत और विद्वेष को बढ़ाने वाली जो चीजें खासकर टेलीविजन के जरिए इस समय प्रसारित प्रचारित की जा रही हैं, वो जरूर उनको, स्वयं उनको रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज
प्रदूषित हो रहा है, समाज के लोगों के दिमागों में जहर जा रहा है, और वो अनजान लोग, वो मासूम लोग सचमुच एक अजीब तरह के वायरस से उनके दिमागों में जो भर रहा है उसको आप कैसे खत्म करेंगे दोस्तों, इस विश्वव्यापी महामारी से जूझने के लिए जरूरी है हम अपने दिमागों को सुंदर साफ रखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.